हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद फेस टू फेस मुलाकात हो रही है आप लोगों से, और दिवाली की शुरुआत हो चुकी है लगभग। और आज मैं जा रहा हूँ डेडीहाट, तो अभी सुबह मैं निकल पड़ा हूँ अपनी ड्यूटी करने के लिए। और अभी पहुँचे हुए हैं हम हुड़कन्ना धारे पर। इस धारे की एक मान्यता है कि ये जो ये वाला धारा आप देख रहे हैं, इस वाले धारे का पानी जो पीता है कहते हैं, जिसका अगर लड़का नहीं हुआ है, इस धारे का पानी पीता है तो उसका लड़का होता है कहते हैं। और देखिए कितना फ्लो है इस पानी में, और शिव जी की मूर्ति बनी हुई है बहुत शानदार। नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं आपको, पंडित जी यहाँ पर पे दिया जला के चले गए हुए हैं। सुबह सुबह दो दिए जला दिए इन्होंने, और हर हर महादेव के नाम से हम यहाँ पर जयकारा लगाएंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप दूर से हल्केदार बाबा का मंदिर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बीच में हल्का हल्का सा वाइट, ये हल्केदार मंदिर है। इसको हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए देखिए नहीं, जो बने हैं वो शेयर भी कीजिए। बोलो थलकेदार बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। देखिए गाइज, गांव घरों में किस तरह से खेतों को जोता जाता है। जैसे शहरों में ट्रैक्टर यूज करे जाते हैं, वैसे गांव में हल यूज किए जाते हैं। हाँ तो गाइज, अभी बज गए हैं दिन के 12:30, और मैं निकल चुका हूँ स्कूल से पिथौरागढ़ की तरफ को। और यहाँ से आप देखिए किस टाइप का नज़ारा है, पार काली नदी के नेपाल है और इस साइड इंडिया है। देखिए नेपाल के कुछ गांव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर से। देखिए गाइस, तो अब हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं पिथौरागढ़ का, और मिलते हैं आपसे आगे रास्ते पे। गाइस जब हम पहुँच चुके हैं मड़सौन से ऊपर साइड में अड़किनी गांव में, ये बीच में से राम मंदिर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से पिथौरागढ़ 18 किलोमीटर है। गाइस हम पहुँच चुके हैं अब झोलखेत फील्ड के ऊपर पर। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इस रास्ते से होके गया था मैं ये। अभी हम पहुंच चुके हैं अब सोन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वड्डा में। देखिए गाइज, हमने यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया होगा सस्पेंस से है। ये देखिए क्या शानदार बना हुआ है, यहाँ से आप मार्केट का व्यू भी देख सकते हैं। बना रहा है मस्त है, चाय बना।
अब हम आ चुके हैं यूनिवर्सल गिफ्ट सेंटर में, APS के वहाँ पे गिफ्ट देखने के लिए। ये कितने का है? अच्छा, और ये वाला ऊपर, ये भी वही है ना, सेम चीज है। और टाइगर वाला? हाँ, ₹900। और ये छोटे छोटे वाले तो 200-300 के होंगे। ये वाले कितने के हैं? ये वाले ₹260 के वाले हैं, 280 रुपये। ये प्राइस वगैरह तो ये ₹140 का। अच्छा, 120 तक का पड़ जाएगा ना, ये भी 140। दिवाली की बंदूकें अंदूकें नहीं आई है। मैंने ये लिया। अब हम पहुंच चुके हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने वाले पेट्रोल पंप में, और तेल रिफ्यूलिंग हो रही है। फुल कराने के लिए बोल दिया है मैंने। देखिए कितने में फुल होती है टंकी आज। ये बैठेगी आपको 7 सीसी की। अच्छा, वैगनार दिखा रहे हैं भैया 1000 सीसी की। ये इसका इंटीरियर है, और एक्सटीरियर कुछ इस टाइप का है। 7,30,000 की करें ऑन रोड। एयरबैग्स कितने हैं भैया इसमें? दो एयरबैग। अच्छा, बैक सेंसर, ABS, चारों पावर विंडो, सेंटर लॉक, म्यूजिक सिस्टम। ये वाले तो निकल जाते हैं इसमें से वैसे। इसके टायर भी बड़े हैं ना ऑल्टो वगैरह से। ये बगल में कौन सी वाली है? एस्प्रेसो। इसमें भी चल रहेगा कुछ डिस्काउंट? टी ब्रेक, आफ्टर टी ब्रेक हम लोग निकल चुके हैं अब यहाँ से डीडी हाट के लिए। और आप देख सकते हैं ये ध्वज वाला पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। इसको हम आपको थोड़ा आगे से भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये धाराएं, नैनीपातल का प्रसिद्ध धारा। मौसम भी बिगड़ रहा है करके फोन आ रहा था मेरे लिए मम्मी का डीडी हाट से। तो ये देखिए गाइज मौसम का हाल, बादल क्लोज हो रहे हैं एक दूसरे से, और बिल्कुल बादलों की गर्जना होने लग गई है। अब हम पहुंच चुके हैं सतगढ़ के शिव मंदिर में, और बड़ी तेज़ बारिश लग गई है यहाँ पर, 2-3 दिन बाद हो रही है बता रहे हैं यहाँ पर पंडित जी। ये देखिए हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, अभी हमने रेनकोट पहना है अभी अभी। गाइस जब इंद्रदेव कह रहे हैं कि थोड़ी देर शिव जी के मंदिर में शरण ले लो, तो अब मैं रुक चुका हूँ कुछ देर के लिए यहाँ पर, जब तक ये बारिश थोड़ी हल्की नहीं हो जाती है। ओले भी पड़ने लग गए हैं अब। और हल्का हल्का सूरज भी आ रहा है, देखिए
डीडीआरटी जा रहा हूँ। अभी अभी हमारे प्यारे दोस्त गौरव और अजीत, अरे लाइव फेसबुक लाइव यूट्यूब सतीश जोशी सर्च करना है? मिले हुए हैं फिनाले सिन्हा में। ये लोग कहाँ से? खलिया टॉप से होके आ रहे हैं। खलिया टॉप से होके आ रहे हैं, ऑसम जगह है, आपको जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए हम भी आपको दिखाएंगे कभी करके। हाँ तो गाइस, जब चलते चलते हमें पंचाचुली दिखने लग गई है, हल्की हल्की बादलों के बीच से। इस लोकेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, केओ करके है। इस पहाड़ में जो गुफा है उसको दिखाया गया उसमें। अब हम पहुंच चुके हैं मिर्थी, सनसेट देख सकते हैं और यहाँ से मलेनाथ स्वामी के भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे जाके भी दिखाएंगे हम आपको आने वाले ब्लॉकों में। ये सिराकोट पहाड़ है, मलेनाथ स्वामी। जय जी। देखिए डीडी हाट में कितना सुंदर पार्क बना हुआ है। दीनदयाल पार्क, बच्चों के लिए स्कूटर भी है। ये देखिए यहाँ का पार्क, एक और है आगे पर थोड़ा, और माला लगा रखी है पूल में। यहाँ से डीडी हाट शहर मात्र 1 किलोमीटर रह चुका है। हाँ तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं अपनी दुकान में और मिले हमारे पिताजी से, जो कि दीयों के बारे में बताएंगे। 35 दीप तक हैं, 7, 14, 21, 28, 35। दिया देखिए गाइस, 200 रुपये का, और मालाएं हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी शॉप में, ये ऊपर लगा रखी है। ये लेजर लाइट शो है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, ऐसा मन करता है जिसको ही देखे रहें। बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट जो इसका व्यू है बहुत ही अच्छा है। हाँ तो गाइज, आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। पंचाचुली देख रहे थे कल, दूर दूर से नज़दीक से देखिए, मौसम साफ हो चुका है। अब यहाँ भी माला लगाने लग गए हैं पापा जी। ये देखिए इतनी सारी मालाएं हैं। गाइज, कल थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, इसलिए आज ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। और आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली हैं, बने रहना, देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो वीडियोज़ मिस हो जाएंगी। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।